दुनिया में रोज जरूर न जरूर कोई वायरस जन्म जरूर लेता है। कुछ वायरस तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वायरस तो वहीं पे से बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लेते हैं कोरोना वायरस को, कोरोना वायरस चाइना से लगभग सारे देश में पहुंच गया और आज हमारे देश में लगभग 1 करोड़ संक्रमित की संख्या होने वाली है। और आजकल इस दुनिया में वायरस से ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर ज़ॉम्बीज़ वायरस हमारे शरीर में आ जाए तो क्या होगा, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ज़ॉम्बीज़ वायरस, अगर ज़ॉम्बीज़ वायरस हमारे शरीर में आ जाए तो क्या होगा। आपको लगता होगा कि ज़ॉम्बी सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बीज़ वायरस की तरह कई वायरस जानवरों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल वैसा इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। तो चलो यार, आज बताते हैं हम ज़ॉम्बीज़ वायरस। अब हम जान लेते हैं क्या ये वायरस सच में जानवरों में पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये वायरस जानवरों में पाया जाता है। सबसे पहले हम चींटी की बात करते हैं। जी हाँ, चींटी में एक ऐसा फंगस पाया जाता है जिससे चींटियाँ बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकत करने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकत करने लगते हैं। वो अपने अलग चींटियों को काट देती हैं, उसे मार डालती हैं, या फिर उसके पास कोई ऐसी चींटी आती है, अगर वो उसके संक्रमण में आती है तो वो भी उसी तरह बर्ताव करने लगती है। लेकिन ये ऐसी बात है अगर ये इंसानों में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज़ों को है। लेकिन अगर इसे बड़ा कर दिया जाए, यानी ऐसी फंगस को बढ़ाकर इंसानों में डाल दिया जाए, तो इंसानों में ये भी ऐसे ही काम करेगा। असल में ये हम चींटियों को हमारे तरफ आता नहीं है, मतलब आता है लेकिन ख़त्म हो जाता है, हमारी लड़ने की उतनी क्षमता है। लेकिन अगर इसी फंगस को बढ़ा दिया जाए तो सोचो क्या होगा, तब तो हम बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकत ही करने लगेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर ये भी कोरोना वायरस की ही तरह, अगर इसके संक्रमण में यानी इसके आसपास जब अगर कोई आता तो उसे वो हो जाता है, ये फंगस उसे पकड़ लेता है। असल में ये ऐसा फंगस है बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह। जी हाँ, और ये अभी तक किसी इंसान में पाया नहीं गया, लेकिन चींटियों में पाया गया। अब हम बात करते हैं हिरन। जी हाँ, हिरन में भी ज़ॉम्बीज़ वायरस पाया गया है। आपने सही सुना, हाँ, हिरन में भी ज़ॉम्बीज़ वायरस पाया गया है। सबसे पहले ये पाया गया था अमेरिका में, उसके बाद कनाडा में गया, लगभग अमेरिका के 22 राज्यों में ये पाया गया है। हिरनों में एक ऐसा ये वायरस है जो हिरनों को बिल्कुल एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह ही बना देता है, बिल्कुल वो ज़ॉम्बीज़ की तरह हो जाते हैं। अगर इसे ज़ॉम्बीज़ की बीमारी है तो इंसानों में होगी या नहीं होगी, आज हम इसी को बताएंगे। जी हाँ, ये हिरन में बीमारी है, ये वायरस है उनके अंदर, लेकिन ये इंसानों में नहीं आएगा। असल में ये क्यों नहीं आएगा, मैं इसके बारे में बताता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस बीमारी से उनके अंदर क्या होता है। ज़ॉम्बीज़ वायरस से इनके अंदर बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह बर्ताव होना लगता है, अपने दांत को कटकटाने लगते हैं और धीरे धीरे वो उनकी मांस गल जाती हैं बिल्कुल हड्डियों की तरह, और कुछ ही दिन बाद वो मर भी जाते हैं। और अगर उसके संक्रमण में कोई हिरन आया तो उसको भी वो हो जाता है डाइसेसिस। असल में इसे हम वहाँ पर जाना जाता है, ये ज़ॉम्बीज़ वायरस डाइसेसिस के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। असल में ये जानवरों के अंदर ही क्यों, अगर इंसान इसे खा भी लेता है तो भी इंसान को क्यों नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना, अगर ये इंसान इसे खा भी लेता है, मतलब ये जिससे संक्रमण में है ज़ॉम्बीज़ वायरस को, उसको नहीं होता है, क्योंकि इंसान के अंदर इतना लड़ने की क्षमता है। लेकिन हाँ, कब ये वायरस फैल जाए कोई ठिकाना नहीं है।
वैसे तो इन हिरणों में लगभग 50 साल पहले से ये बीमारी चलती आ रही है, और इसमें से लगभग बहुत ही सारे आदमी इंसान बहुत ही खा चुके हैं ऐसे संक्रमित हिरणों को, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिससे ये हो। अगर ये ऐसा हो गया, अगर किसी दिन इंसानों में ये डायसिस या वायरस आ गया, तो बहुत ही बुरा नतीजा होगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम इंसान भी ऐसा नहीं होना चाहते कि हमारे अंदर इतना ख़तरनाक वायरस आए या फिर फंगस आए। तो हमें कुछ अपनी भी मतलब ज़रूरतों को भुला करके हमें कुछ अच्छे कामों में मतलब लगा देना चाहिए, मतलब कि हमें हिरण को मारना या फिर जानवर को, ऐसे जानवर को मार कर नहीं खाना चाहिए जिससे हमें लगता हो कि हाँ मुझे उसे बीमारी हो सकती है। जैसे आज चाइना में मतलब वहाँ से कोरोना वायरस आया, अगर चाइना वाले मतलब जो खाया, अगर उसने नहीं खाया होता तो अगर पूरी दुनिया में आज भी सही होता। अब हम आपको ऐसे बारे में बताने आ रहे हैं, यानी अपने हिस्ट्री में ले चलते हैं आपको, जैसा ऐसी तरह ही एक वायरस आया था लेकिन वो ख़त्म भी हो गया 1518 में। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्रांस में ऐसा एक डांसिंग वायरस आया था जिससे औरतें या फिर उसके संक्रमण में जो आते थे वो डांस करने लगते। सबसे पहले ये फ्रांस में एक औरत के बीच पाया गया, वो अचानक डांस करने लगी और उसे आदमी देखकर मतलब इग्नोर करते गए, हाँ ये पता नहीं क्यों डांस कर रही है, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ, वैसे ही डांस करने सब इग्नोर कर दे। वैसे ही 2-3 दिन तक और डांस करने लगी और लगभग 2-3 और औरतें भी शामिल हो गई उसमें। तो उसमें उस लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों डांस कर रही हैं, और उनका इमोशन कुछ अलग था लेकिन डांस कर रहे थे वो, मतलब उन्हें समझ नहीं, जैसा लग रहा था कि उनके अंदर उनका बॉडी कंट्रोल ही नहीं है, लग रहा था उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आखिर ये क्यों। और ऐसे ही धीरे धीरे 7-8 दिन तक डांस करने से कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों को ठीक भी किया गया। अब हम बात करते हैं, अगर ज़ॉम्बीज वायरस इंसानों में आ जाए तो क्या होगा। हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन में, बिल्कुल यार क्या कहते हैं, हमारी स्टडी गई, हमारे क्लास छूट गए, अरे यार बहुत ही नुकसान हुआ। खैर, हम लोग यही आशा करेंगे कि आज के बाद मतलब कोई भी वायरस ऐसा ना आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।